ये सारा कोरोना से है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्रग्स के अहम मुद्दे पे है। जहाँ तक कि आपको पता है, जम्मू पुलिस ने पिछले तकरीबन साल भर से ड्रग्स के खिलाफ एक जंग छेड़ी है, जिसमें ड्रग्स के मेन सप्लायर्स तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय कि कंज्यूमर छोटे छोटे कंज्यूमर्स को पकड़ा जाए, हमारी कोशिश ये है कि हम ड्रग्स के बड़े बड़े सप्लायर्स तक पहुँचें, जिससे कि इस प्रॉब्लम को, इस मुसीबत को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इसी कड़ी में रजौरी में 2-3 महीने पहले 12 किलो हीरोइन बरामद हुई थी और कल भी 3 केजी हीरोइन बरामद हुई है मेंढर के इलाके में। और 19-20 सितंबर की दरमियानी रात एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट ड्रग्स की, 62 केजी हीरोइन और साथ में 2 पिस्टल बरामद हुए थे। ये बीएसएफ ने बॉर्डर पे अरनिया के पास सीज किए थे। ये कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था, जिसमें इमीडिएटली कोई हमारे पास लीड्स नहीं थे और सीज़र बिल्कुल फेंस पे हुई थी। हमें ये नहीं मालूम था कि भेजने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है। जम्मू पुलिस ने अंडर द सुपरविजन ऑफ द DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज, SSP जम्मू, जो कि आज कोविड की वजह से हमारे पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर रहे हैं, और उनकी सारी टीम जो हमारे साथ मौजूद है, यहाँ आपके पास एडिशनल हेडक्वार्टर्स हैं, SP सिटी नॉर्थ हैं, SDPO RS पूरा हैं, SHO RS पूरा, SHO अर्निया, इन सब ने बहुत कड़ी मेहनत की और टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का एक बहुत ही कामयाब मिश्रण करके और साथ ही अपने पुराने रिकॉर्ड्स की एनालिसिस करके, उनको देख के, उनको खंगाल के, इस पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, तोड़ा है इसको। और इसमें 7 मुलजिम अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे नेटवर्क के 3 पार्ट्स थे जो कि हिंदुस्तान बेस्ड थे और एक इंटरनेशनल पार्ट है जो कि पाकिस्तान और दुबई में बेस्ड है। जो हमारे पार्ट हैं, हमारा पार्ट जो है, जिसमें 3 अलग अलग सब ग्रुप्स बने हुए हैं। सबसे पहला ग्रुप वो है जो बॉर्डर के इलाके में जाता है, बॉर्डर पे रिसीविंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है और लड़कों को भेजता है बॉर्डर पे ड्रग्स की कंसाइनमेंट को रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहला पार्ट वो है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाके ड्रग्स को रिसीव करता है। इसके बाद दूसरी पार्ट वो है जिसमें कि वो ड्रग्स जम्मू में जो मेन सप्लायर्स हैं उन तक पहुंचती है। इस कड़ी में तीसरी पार्ट वो है जो पंजाब बेस्ड है, जो कि इस पूरे ड्रग्स के कंसाइनमेंट को रिसीव करता है और आगे वो फर्दर सप्लाई और बेचता है। और चौथा पार्ट वो है जो इंटरनेशनल पार्ट है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इस पूरे सिलसिले में सबसे पहले जशराज नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जो कि अरनिया का रहने वाला है, और साथ ही में अरनिया के 2 और लोग गिरफ्तार हुए, जिनका नाम सुभाष चंद्र और श्यामलाल है। श्यामलाल वो इंसान है जो कि लोकेशन आइडेंटिफाई करता था जहां ड्रग्स को ड्रॉप किया जाए। और आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि श्यामलाल पहले भी पंजाब में
ड्रग्स के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। इसके बाद जो जम्मू का मेन रिसीवर ग्रुप है उसमें बिशन दास एलियास राजू और अजीत एलियास काला, ये दो मेन रिसीवर्स हैं। आपको ये बताता चलूं कि इन दोनों की हिस्ट्री रही है ड्रग्स के केस में भी, और ये दोनों 2005 के दिल्ली ब्लास्ट केसेस में भी गिरफ्तार रहे हैं। एक और अहम बात इसमें यह है कि अजीत एक इंटरनेशनल स्मगलर का भाई है जिसका नाम था सरफू, जो कि बहुत सारे केसेस में, पुराने केसेस में हीरोइन की स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहा था। और अजीत 2014 के 11 किलो हीरोइन के सीजन में भी इन्वॉल्व रहा है। शुरुआती पूछताछ पे हमें ये पता चला है कि इसके पहले भी दो हीरोइन के बड़े कंसाइनमेंट्स इसी सेक्टर से आए थे, जिसमें एक अगस्त सितंबर के महीने में पिछले साल पकड़ा गया था, जिसकी सीजर DRI ने की थी, और दूसरी कंसाइनमेंट 10 किलो हीरोइन की आई थी जो कि तकरीबन सितंबर 2020 के शुरुआती कुछ दिनों में आई थी, जो कि पंजाब के एक्यूज़ ने उसको रिसीव किया था। तो मुख्तसर तौर पे पहला ग्रुप वो है जिसमें श्यामलाल, सुभाष चंद्र और जसराज हैं। दूसरा ग्रुप वो है जिसमें बिशन दास एलियास राजू और अजीत कुमार एलियास काला है। तीसरा ग्रुप वो है जो पंजाब बेस्ड है, जिसमें कि गुरप्रताप सिंह मेन एक्यूज्ड है, जिसको हमने गिरफ्तार किया है। और इसकी गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस ने, SSP तरन तारण ने और उसकी टीम ने, और साथ में ही CI सेल की टीम ने काफ़ी हमारा सहयोग किया और इनकी गिरफ्तारी में हमें काफ़ी मदद की। इन सातों की गिरफ्तारी कर दी गई है, पूछताछ रवा है, और मज़ीद जानकारी आपको जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होती है आपको दी जाएगी। थैंक यू।